आओ गाइस यार, तुमको तो पता है ये फ्रैंकलिन और शिनचैन मुझे छोड़ के जा चुके हैं और ये घर पूरा का पूरा खाली हो चुका है। इस घर में सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ और ये घर देखो कितना साफ है। फ्रैंकलिन और शिनचैन ने नए नए घर ले लिए, आपको तो पता ही है उन दोनों को शक्तियाँ मिल चुकी है। फ्रैंकलिन जिस भी चीज को छूता है वो गोल्ड की बन जाती है और शिनचैन किसी भी चीज को छूता है तो वो फ्री हो जाती है और वो दोनों नए नए घर ले रहे हैं। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया पर मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं कितना ज्यादा बोर हो रहा हूँ। मुझे फ्रैंकलिन और शिनचैन के पास वापस जाना है पर मैं कैसे जाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे ये क्या, अरे ये स्विमिंग पूल में क्या हो रहा है, अरे एक सेकंड ये तो वही है, अरे ये तो पिछली बार हुआ था, इसमें मैं गया था तो मुझे भी पावर मिली थी, किसी भी चीज को छूता हूँ तो वो डायमंड की बन जाती थी। अरे ये तो वापस से हो रहा है, लगता है मेरे भगवान ने इच्छा सुन ली। मुझे यार फ्रैंकलिन के पास भेजने का तरीका मिल गया, चलो फटाफट से मैं इसके अंदर खड़ा हो जाता हूँ, मुझे वापस से शक्तियाँ मिल जाएगी, शक्तियाँ मिल जाए मुझे। अरे गाइस यार अब मैं बाहर आ चुका हूँ, चलो फटाफट से चलते हैं। फ्रैंकलिन की पुरानी वाली गाड़ी इधर ही खड़ी है, मैं उसको छू के देखता हूँ, क्या पता मुझे शक्तियाँ सही में मिल गई हो। और इसको मैंने छू तो लिया पर इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे रुको थोड़ा ढंग से छूते, अरे कार चेंज हो जाए डायमंड में, अरे ये तो चेंज ही नहीं हो रही, अरे क्या चाट हो गया इसको, इसको चाट ही लेता हूँ। आओ इस गाड़ी को मैंने चाटा, ये तो सही में चेंज हो गई, अरे ये तो डायमंड की बन गई, अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे चलो फ्रैंकलिन के पास लेके चलते इस गाड़ी को, उसको मैं दिखाऊंगा और वो मेरे को भी अपने साथ लेके घूमेगा, मजा आएगा। चलो चलो फ्रैंकलिन के पास चलते हैं ये डायमंड वाली गाड़ी लेके। आओ गाइस यार अभी मुझे पता चल चुका है शिनचैन और फ्रैंकलिन कहाँ पे, वो सामने वाले बीच पे, वो देखो यहाँ से उनका प्लेन भी दिख रहा है, चलो फटाफट से चलते हैं उस प्लेन के पास। आओ फ्रैंकलिन मैं आ गया, फ्रैंकलिन मैं आ गया। अभी ये डायमंड की कार में कौन है? आओ फ्रैंकलिन मैं हूँ चॉप। ए चॉप ए तू कैसा है डायमंड की कार में? आओ फ्रैंकलिन मुझे शक्तियाँ मिल चुकी है, जैसे तुम दोनों के पास शक्तियाँ वैसे मुझे भी शक्ति मिल चुकी है, मैं किसी भी चीज को छूता हूँ तो वो डायमंड की बन जाती है। अरे क्या चेप, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। आओ हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं, हे सही में। अबे मेरे को नहीं लगता तू सच बोल रहे, तू पागल बना रहे ना, ये गाड़ी किसकी चुरा के लेके आए? आओ फ्रैंकलिन तुम्हारी तो पुरानी वाली गाड़ी है, देखो सारी। अरे हाँ यार है तो मेरी ही पुरानी वाली गाड़ी। अच्छा रुक, ये जो यहाँ पे गोल्ड का प्लेन खड़ा है ना उसको टच करके दिखा और फिर देखते हैं हम कौन से कलर में चीज होती है। आओ मुझे टच नहीं मुझे चाटना होता है, ये देखो मैंने उसको चाट लिया। और ये तो डायमंड का बन गया, और ये तो सही में खतरनाक वाली पावर से। तो गाइस यार अभी चॉप ने इस प्लेन को कन्वर्ट कर दिया डायमंड में, चल चल चॉप हमारे साथ बैठ जा फटाफट से। तो गाइस यार आज तो हम यार बहुत ही ज्यादा मजे करने वाले, क्योंकि शिनचैन किसी भी चीज को टच करता है तो वो फ्री हो जाती है, मैं किसी भी चीज को टच कर जाता हूँ वो गोल्ड में बन जाती है, और चॉप जिस भी चीज को टच करेगा वो डायमंड की कर जाएगी। तो ये तो यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आज तो बहुत ज्यादा मजा आने वाले हैं। तो गाइस यार अभी हम आ गए हैं साइमन के शोरूम में, ये देख सकते हो प्रीमियम डीलर्स मोटरशिप, और यहाँ पे यार बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो शिनचैन पहले तो अपना काम कर दे। अरे देखिए फिर भी सारी की सारी गाड़ियां छू दूंगा, फिर गाड़ी की सारी हम खरीद लेंगे वो भी बिल्कुल फ्री में, इसको भी छू देते इसको भी छू देते, चलो लैश की दो गाड़ी छू इसको भी छू लेते। अरे देखिए मैंने अपना काम कर दिया। तो गाइस यार अभी यार शिनचैन ने यार सारी गाड़ी को छू लिया और वो हमारी हो चुकी है। तो चॉप आधी गाड़ियां तू संभाल, आधी गाड़ियां मैं संभालता हूँ। तो गाइस यार यहाँ की यार आधी गाड़ियां मैं छूने वाला हूँ, बाकी की आधी गाड़ियां छूएगा हमारा चॉप। तो इनको छोटा छू लेते हैं। आओ चलो मैं भी शुरू हो जाता हूँ, इसको टच कर लेते हैं, इसको भी टच कर लेते हैं। अरे रुको रुको सारी गाड़ी टच कर दूंगा, सबको डायमंड में कर दूंगा, इसको भी चाट लेता हूँ फटाफट से। ये मैंने इसको भी चाट लिया, और ये लास्ट गाड़ी बची है इसको भी मैं चाट लेता हूँ। अरे फ्रैंकलिन मैंने कर लिया अपना काम। तो गाइस यार अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास आ चुकी है बहुत सारी गोल्ड की कार्ड्स और बहुत सारी डायमंड की कार्ड्स। ये सारी यार मैंने अभी टच करके गोल्ड में कर दी, और यहाँ पे चॉप ने सारी सारी गाड़ियां चाट चाट के डायमंड में कर दी। अरे भाई आपके पास 20 रुपए है क्या? कुछ नहीं खाया इतने दिनों से, कुछ तो दे दो। अरे 20 रुपए छोड़ो, आप इनमें से जो गाड़ी आपको चाहिए वो ले लो, आपको गाड़ी वो भी बिल्कुल फ्री में। अरे क्या भैया सही में? अरे हाँ सही में जो गाड़ी चाहिए ले लो। अच्छा ठीक है थैंक यू जल्दी से ले लेता हूँ। अरे चॉइस क्या करनी, ये जो गाड़ी खड़ी है वो ही ले लेता हूँ। भैया ये वाली गाड़ी ले रहा हूँ मैं। अरे हाँ आराम से ले जाओ आपकी गाड़ी है। अरे भैया थैंक यू इसको बेच के तो मैं नया घर लूंगा, फिर बहुत सारा खाना लूंगा, मजा आएगा। तो गाइस यार अभी हम जाने वाले हैं इस बुगाटी में अपने नए नए घर में। गाइस यार शिनचैन ने एक घर लिया, मैंने एक घर लिया और चॉप ने एक घर लिया, तीनों के तीनों घर अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट चलते पहले मेरे घर में, पहले मैं अपना घर दिखाऊंगा, फिर शिनचैन का घर दिखाएंगे, फिर चॉप का घर दिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं। तो गाइस यार अभी हम जाने वाले अपने नए नए घर में, ये घर है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, इसका नंबर है 2222, मतलब यार 4x2, ये हमारे घर का नंबर है। फटाफट से अपने अंदर चल लेते हैं, और ये है हमारा नीचे जाने का गैराज, और यहाँ पे अभी गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ज्यादा गाड़ियां नहीं है, पर मैं अभी बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे लाने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा गैराज में भर दूंगा। और घर के अंदर घुसते ही यहाँ पे अपनी बहुत ही तगड़ी सी विंटेज कार खड़ी है, यहाँ
यहाँ पे अपने सोफा पे ये बहुत सारे लोग है जो यहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ से यार व्यू देखो कितना ज्यादा खतरनाक है, पूरी की पूरी लॉस सेंटोस का व्यू आता है और समुद्र का भी व्यू आता है, पहाड़ों का भी व्यू आता है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे अपना किचन है, सामने अपना यार टीवी भी लगा हुआ है। अभी आप चलते हैं अपने सेकंड फ्लोर पे जो कि हमारा गेमिंग जोन, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स लगे हुए जो कि हम फुल यार मजे से खेल सकते हैं, यहाँ पे बाइक वाला गेम भी है। तो यार ये अपना गेमिंग जोन है, मतलब पूरा का पूरा सेकंड फ्लोर, वहाँ पे देख सकते हो पूल टेबल है खेलने के लिए, तो मतलब पूरा खतरनाक वाला गेमिंग जोन बना रखा है। यहाँ पे अपना बाथरूम है बढ़िया सा, अभी अपन चलते हैं यहाँ से बाहर। यहाँ पे क्या है मुझे को भी देखना पड़ेगा, ये है अपना बेडरूम, इतना ज्यादा बड़ा वाला बेडरूम, यहाँ पे भी तगड़ा सा व्यू दिखता है, यहाँ पे पीछे आग भी लगी हुई है, और देखो भाई कितना मस्त सा बेड लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा गेमिंग सेटअप जहाँ पे हम खेल सकते हैं बहुत सारे गेम, और मैं खेलता हूँ अभी आपके साथ एक गेम। गाइस अगर आप हो एक नूब तो आप यार लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे, अगर आप हो प्रो तो आप लाइक सब्सक्राइब करोगे, पर आप हो एक गॉड तो आप यार लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सबका सब करोगे। तो फटाफट से मुझे कमेंट में बताओ आप क्या हो, और वो सब चीजें कर भी देना ताकि मुझे पता चल जाए। तो ये था मेरा छोटा सा नहीं बहुत ही बढ़िया वाला घर, क्योंकि यार यहाँ से तो लगता है बहुत छोटा है पर अंदर से बहुत ही ज्यादा बड़ा घर है। तो गाइस मेरा घर आपको कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बता दो। अरे गाइजर ए बैरी मेरे घर की जो की है ग्लास हाउस, ये गाइजर देखो एंट्री कितनी तगड़ी है, ये घर पूरा का पूरा ग्लास से बना हुआ है, ये देखो कितना ज्यादा खतरनाक लग रही है। ये हमारा गैरेज है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है, इन कांच के ऊपर हम गाड़ी भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको मैं नीचे लेके चलता हूँ, यहाँ से नीचे उतरने पे यहाँ पे देखो हमारा कितना खतरनाक से बना हुआ है। यहाँ पे किचन है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे सबका सब है, और हमारा नीचे प्राइवेट बीच भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले ऊपर चल के सारा का सारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलते हैं अपन प्राइवेट से ऊपर, यहाँ से हम ऊपर आ चुके हैं गाइजर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बाथरूम बेडरूम, यहाँ पे दो दो बेडरूम है, यहाँ पे एक मस्त सा बाथरूम है, और हमारे पास एक लाइब्रेरी भी है जहाँ पे मैं पढ़ाई करूंगा, क्योंकि मैंने मुझे बोला है पढ़ाई करनी पड़ेगी मुझे। और गाइस ये देख सकते हो गिर है हमारा बेडरूम, और इसके पास में हमारा एक और बेडरूम है, और यहाँ पे देख सकते हो पूरा का पूरा कितना मस्त व्यू आता है, क्योंकि यार यहाँ पे सबका सब कांच का बना हुआ है तो हर पर सब दिख जाता है। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये फैंकी भी, ऐसे मेरा ज्यादा खतरनाक घर है। गाइस आपको हम दोनों में से किसका घर ज्यादा अच्छा लगा मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस ये है हमारा प्राइवेट बीच, यहाँ पे सिर्फ यार मैं ही आ सकता हूँ, मतलब और मेरे दोस्त भी आ सकते हैं। यहाँ पे भी यहाँ पे जिम भी बना हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास बोट्स भी है बहुत सारी जिसमें मैं समुद्र में लेके घूम सकता हूँ। तो गाइस ये था मेरा ग्लास हाउस, आपको कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बता दो। अब बारिये चौक की, चलो चौक का घर देखते हैं। ओ हेलो गाइस, तुम्हारा स्वागत है मेरा नया नया घर में। ये है मेरा नया नया घर, ये थोड़ा सा अंडर कंस्ट्रक्शन है पर फिर भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला घर है। सामने हमारा बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे दो दो बड़ा बड़ा सोफा है जहाँ पे मैं आराम से बैठ के पूरा दिन नाटक देखूंगा। आपको कौन सा नाटक देखना पसंद है मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो। मुझे तो पसंद है ये रिश्ता का कहलाता है, वो तो बहुत ही खतरनाक आता है। और हाँ मैं बिग बॉस भी देखता हूँ, वो भी बहुत खतरनाक आता है। सामने हमारा स्विमिंग पूल है, और ये हमारा सेकंड फ्लोर, यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े हैं, यहाँ पे देखो भाई कितने मस्त मस्त रूम है। ये आंटी मेरे कपड़े धो रही है, आंटी कपड़े दो ना। और यहाँ पे हमारे पास एक रिकॉर्डिंग रूम भी है, अभी आपको दिखाता हूँ। अरे रुको यहाँ से मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे लगता है बाहर से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे हम बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं फिर आपको भेजते हैं। ये देखो हमारा रिकॉर्डिंग रूम, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और कहा सर, ये रहा मेरा पर्सनल हेलीकॉप्टर, इसमें देखो मेरा नाम भी लिखा हुआ है, बी मतलब बॉब, बॉब मतलब चौप का भाई, चौप बॉब, बॉब चौप, मतलब कुल मिला के ये मेरा ही हेलीकॉप्टर है। तो यार ये रहा मेरा घर। तो गाइस अभी आपने देख लिए तीनों के घर, मतलब मेरा घर, शिनचैन का घर और चौक का घर। आपको सबसे तगड़ा घर कौन सा लगा मुझे फटाफट से कमेंट करके बता दो। शिनचैन का ग्लास हाउस या चौक का घर जो भी था अजीब सा, और मेरा छोटा सा पर बहुत ही बड़ा सा घर। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके मुझे बता देना। तो आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसे लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर जो फॉलो कर लेना। और गाइस मैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।